नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे खबरें फटाफट में। फटाफट न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय आर्यन द गुरु, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक, अस्पताल में मरीजों को झेलनी पड़ी परेशानी। सिरमौर के सराहा में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक से मरीज परेशान, 2 घंटे करते रहे इंतजार। शिमला जिला के रोडू में पोस्ट ऑफिस के पास मिला नवजात बच्चे का शव, छानबीन में जुटी पुलिस। कांगड़ा जिला के डाडासीबा में रिहायशी इलाके में बेखौफ घूम रहे तेंदुए का वीडियो वायरल, घर से बाहर निकलने से डरने लगे लोग। ऊना पुलिस ने पकड़ी 375 पेटी अवैध देसी शराब, गहन जांच में जुटी पुलिस। धर्मशाला के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर ओम अवस्थी का चंडीगढ़ में निधन, चंडीगढ़ में किया जाएगा अंतिम संस्कार। मंडी के लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक में कॉलेज स्टूडेंट एसोसिएशन एनपीए बंद करने पर खफा, फैसला वापस लेने का किया आग्रह। हमीरपुर में एनपीए बंद करने के विरोध में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक, इलाज के लिए इंतजार करते रहे मरीज। सुंदरनगर में डॉक्टरों की तलाश करते रहे मरीज, दिक्कतों का करना पड़ा सामना। ऊना जिला की ग्राम पंचायत कलोह के बबलू में खुल रहे स्लॉटर हाउस के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस एकजुट नहीं, दोनों दलों ने अलग अलग सौंपे ज्ञापन। चंबा की ग्राम पंचायत सराहन और गुवाड़ के ग्रामीणों ने हाई स्कूल रान को रीनोटिफाई करने की उठाई मांग, एडीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। नाहन डिपो को मिली 6 नई बसें, विधायक अजय सोलंकी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रूट पर किया रवाना। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के रेडियोलॉजिस्ट को डेप्यूटेशन पर भेजा काजा, जनता में रोष, अल्ट्रासाउंड न होने पर बैरंग लौटे मरीज। सिरमौर के पांवटा साहिब में यमुना नदी में डूबा यूपी का श्रद्धालु, अभी तक नहीं लग पाया कोई सुराग, तलाश में जुटे गोताखोर। मंडी में जिला परिषद की त्रैमासिक बैठक में मानदेय न बढ़ाने पर 26 सदस्यों ने किया बैठक का बहिष्कार, प्रदेश सरकार जल्द पूरी करे मांगे। खबरें फटाफट में आज के लिए इतना ही, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।